हेलो, आज हमारे किचन में मज़ेदार सी मिठाई बन रही है। देसी घी बनाते वक्त जो खुरचन हमारे पास बच जाती है, अमूमन हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे कितने मज़ेदार से हम लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें बेल आइकन के साथ। यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच दही मैंने डाल दी है मलाई में। 800 मिलीलीटर तकरीबन ये मलाई बनती है। मैंने कुछ दिनों की फ्रीज़र में रखी हुई थी, अब इसको निकाल के गरम कर रहे हैं। हल्की आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है और पकाना है, यहाँ तक कि इसका घी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। इसके बाद एक छलनी की मदद से हम घी को अलग कर लेंगे। अच्छी तरह से हम घी को निचोड़ लेंगे, और जो छान या खुरचन हमारे पास बाकी बचेगी इसमें हम दूध शामिल करके इसको पकाएंगे। 1 कप इसमें दूध शामिल करके हल्की आंच पे इसको पकाते रहें। 15-20 मिनट पकाने के बाद आप इसमें चीनी शामिल कर दें। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ इलायची के दाने डाल दिए हैं, अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको हल्की आंच पे काफ़ी देर पकाते रहना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और बिल्कुल ऐसे इसकी शक्ल निकल आए। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच पिसे हुए बादाम शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मेवाजात भी ले सकते हैं, जैसे कि नारियल और पिसे हुए पिस्ते वगैरह। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, और अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा नरम रह गया है तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये देखिए हमारे मज़ेदार से लड्डू तैयार हो गए हैं। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।